हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए राजस्थान का बहुत फेमस मिर्ची वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। अभी मानसून सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है और बारिश के मौसम में हमें इस तरह के स्नैक्स खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम बनाएंगे मिर्ची वड़ा बहुत ही इजी तरीके से घर पर ही। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी मोटी वाली मिर्चें जो आती हैं वो ली हैं, अचार वाली मिर्ची भी बोलते हैं इसे। तो आपकी साइड में जिस तरह की भी मोटी मिर्ची मिले तो आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मिर्ची को जो है वो धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछ कर ले लिया है। अब मैं इसमें कट लगा रही हूँ, ऐसे ऊपर से लेके आपको ऐसे नीचे तक ऐसे कट लगाना है, क्योंकि हमें इसके अंदर के जो बीज हैं वो निकालने हैं। वो थोड़े ज़्यादा तीखा हो जाएगा अगर नहीं निकालेंगे तो इसको हम जो है वो निकाल लेंगे ऐसे नाइफ़ की हेल्प से, हल्का सा इसको कट करके, और इसके सारे जो सीड्स हैं वो हम निकाल लेंगे सारी मिर्चों के। अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए मिर्चों को मैं जो है अच्छे से कट करके उसके सीड्स जो है वो निकाल कर रख लूँगी। यहाँ पर मैंने दो मिर्ची इस तरह से कट कर ली और बाकी भी मैं कट करके रख लूँगी। तो यहाँ मैंने सारी मिर्चों को जो है कट करके उसके सीड्स निकाल कर रख लिया है। तो अब सबसे पहले हम जो है वो बेसन जो हम इस पे लगाएंगे उसको तैयार करके रख लेते हैं, क्योंकि बेसन को थोड़ा सा रेस्ट देना होता है। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप जो है वो बेसन ले रही हूँ। एक बड़े बाउल में मैंने बेसन निकाल लिया है, ये 1 कप डाला है मैंने और आधा कप और डाला है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और बहुत थोड़ी सी हल्दी डालनी है हमें, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी वाली नहीं है। और थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, इसे हाथ से ऐसे रब करके फिर डालेंगे, इससे अच्छी स्मेल भी आती है। अब एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्कर से, कि अगर इसमें बेसन में कोई गुठली भी होगी तो वो मिक्स हो जाएगी अच्छे से। और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मिक्सचर तैयार करना है। एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालना है। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल रही हूँ मैं। कई बार कुछ बेसन मोटा भी होता है कई बार, और कई बार पतला भी बेसन आता है, तो वो बेसन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा पानी लेगा। तो यहाँ देखिए मेरा आधा कप से भी कम जो है वो पानी लगा है बेसन में। और अब हमें इस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो तब तक हम जो है वो मिर्ची में जो फिलिंग करनी है हमने आलू की, उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 बॉयल आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको हाथों से ही ऐसे मैश करना है, ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना। तो यहाँ सारे आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, और अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक पैन रख लिया है, उसमें 2 छोटे चम्मच मैंने जो है वो ऑयल डाला है। तो ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं आधा चम्मच राई डाल रही हूँ, और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है, और 1 चम्मच मैंने ये साबुत धनिया था, इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ था तो वो डाला है मैंने, और 1 चम्मच ही मैंने मोटी वाली सौंफ ली थी, इसको भी मैंने क्रश कर लिया था। सौंफ का और धनी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मिर्ची वड़ा में। और थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी है। सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो अब इसमें हम सूखे मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ बहुत थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है 1/4 चम्मच, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और बहुत थोड़ा सा काला नमक। काला नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मिर्ची वड़ा में। अमचूर डालना बहुत ज़रूरी है, इसमें जो थोड़ी सी खटास आती है मसाले में वो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मिर्ची वड़े में। तो सभी मसालों को मैंने भून लिया है अच्छे से 1 मिनट के लिए। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, एक कटी हुई बारीक कटी हुई मिर्च डाली है मैंने, उसको भी मसालों के साथ में भून लेंगे।
अब हमने जो आलू मैश करके रखे थे उसको डाल देंगे, और इसको सभी मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भून लेना है 1-2 मिनट के लिए। स्पैचुला से अच्छे से दबाते हुए हम सारे आलू को मैश कर लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया से आलू जो है एकदम मैश हो गए हैं, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, एक हरा पुदीना मैंने डाला है कट करके, और थोड़ा हरा धनिया। अगर आपके पास पुदीना पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस 1 से 2 मिनट हमें और कुक करना है। और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कटा हुआ प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ था। इसे इस स्टेज पर ही डालना है। आपको लग रहा होगा कि लास्ट में कच्चा प्याज डाला है तो कुक नहीं होगा, जब हम मिर्ची फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो लीजिए मसाला जो है बिल्कुल तैयार है, अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और ये ठंडा भी हो गया है। तो अब हम मिर्चों में इसको स्टफ़ कर लेते हैं, और जो देखिए इस तरह से हमें मिर्ची में इसको स्टफ़ करना है, भरना है। और मिर्चें जो है हमने बहुत अच्छे से हाथ से दबा दबा कर उसको भरना है, कम कम मसाला नहीं डालना है, अच्छे से फिल करना है मसाले को, क्योंकि जब हम फ्राई करें तो ये जो मसाले हैं वो बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए मिर्ची को अच्छे से दबा दबा कर भरना है। अगर आप मेरी बनाई गई रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो उसकी पिक्चर्स क्लिक कर कर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट कर सकते हैं और फेसबुक पर भी। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से मैंने स्टफ़ कर लिया है मिर्ची, और सारी मिर्चों को मैंने स्टफ़ करके रख लिया है अच्छे से। और अब एक बार बेसन को भी चेक कर लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो गए थे इसको रेस्ट करते हुए, तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच गरम ऑयल, ऑयल जो जिसमें मैंने अभी फ्राई करना है मिर्ची वड़ा, वो मैंने कढ़ाई रखी हुई है गैस पे, उसी में से मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है। इससे जो है वो मिर्ची वड़े जो बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पर हम बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह का हमें बैटर चाहिए। देखिए स्पून पे लगाने से ये बिल्कुल भी रनी नहीं होता, देखिए एकदम गाढ़ा बैटर बना है जिस तरह का हमें चाहिए मिर्ची वड़े के लिए। और अब हम इस बैटर में मिर्ची को इस तरह से डिप करेंगे। आप स्पून की हेल्प से भी उसके ऊपर कोट कर सकते हैं बेसन को। तो ये देखिए इस तरह से कोट करना है आपको, ये देखिए इस तरह से घुमा के मिर्ची को और ऑयल में डाल देंगे। तो अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए, तो गरम हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मिर्ची को बेसन में कोट करके अच्छे से, और ऑयल को अच्छे से पहले गरम कर लेना है आपको, उसके बाद में आपको मीडियम हीट पर ही रखना है गैस को। ये देखिए मैंने इसमें मिर्ची डाल दी है एक, तो मैं 2 पीस डालूँगी इसमें, मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो 2 ही पीस मैं एक साथ फ्राई करूँगी। और मीडियम हीट पर ही इसको फ्राई करना है आपको, बिल्कुल स्लो नहीं करना है। अगर आपने स्लो किया तो जो ऑयल है वो ये सोक कर लेंगे, तो बहुत ऑयली आपके मिर्ची वड़े तैयार होंगे। तो यहाँ पर मीडियम हीट पर देखिए मैंने अच्छे से इसको धीरे धीरे फ्राई किया है, तो देखिए कितने अच्छे मिर्ची वड़े तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैंने सारे मिर्ची वड़े फ्राई कर लिए हैं, तो अब इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे मिर्ची वड़े जो है फ्राई कर लिए थे, इनको मैंने हरी चटनी के साथ और मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। और यहाँ पर मैं आपको एक मिर्ची वड़ा कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से फिलिंग किस तरह की आई है और किस तरह का तैयार हुआ है। देखिए कितने अच्छे से फिलिंग आई है, और कवरिंग देखिए कितने अच्छे से हुई है बेसन की। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से ट्राई कीजिए, और इस मानसून अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कीजिए राजस्थान के फेमस मिर्ची वड़े। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।